मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 27 लाख का इनाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आज मंगलवार को 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम था। इनमें से 3 महिलाएं नक्सली भी शामिल है। इससे पहले भी इस साल जनवरी के महीने में गढ़चिरौली में 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके सिर पर 31 लाख का इनाम रखा गया था। मिली जानकारी में विकास और साधु पौधादी छत्तीसगढ़ कोडियालर इन जन मलेशिया दमल का सदस्य थी। दूसरी खबर सामने आ रही है, आरमोरी में महिलाओं ने दी नगर परिषद उपाध्यक्ष के घर पर दस्तक। पाइपलाइन फूटने से पानी की समस्याएं शहर के बड़ी परिसर में शुरू महामार्ग के निर्माण कार्य की खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिनमें से इस कड़ाके की ठंड में शहर के नागरिकों को कृत्रिम जल संकट से जूझना पड़ रहा है। प्रभाग क्रमांक 4 की महिलाओं ने पार्षद उपाध्यक्ष मेलिन खोबरागड़े के नेतृत्व में नगर परिषद उपाध्यक्ष हैदर पंजवानी ने पंजवानी के निवास स्थान पर दस्तक देकर क्षेत्र से जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, भगवा पार्टी के खिलाफ सभी को हाथ मिलाना चाहिए, सीएम ममता बनर्जी का बयान। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताने की कोशिश करने के लिए भाजपा सरकार पर बरसते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक दलों और नागरिक संस्था समूहों से देश भर से भगवा पार्टी के खिलाफ हाथ मिलाने और उसे अलग थलग करने का अनुरोध किया हुआ है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।